मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़। सिवान में 6 वर्ष पूर्व लापता हुई एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती को सामाजिक संगठन नन्हे कदम ने उसके परिवार से मिलाने का काम किया है। सिवान जिला के गोरिया कोठी हेतमपुर गांव निवासी मीना देवी, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वे अपने परिवार से बिछड़कर पटना स्थित एक अनाथालय में रह रही थी। नन्हे कदम को युवती के लापता होने की जानकारी मिली। नन्हे कदम के संस्थापक आदित्य कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह अपनी टीम के साथ इस युवती की तलाश की। इसके बाद युवती को पटना स्थित कार्यालय लाकर इनके परिजनों को सूचना दी। इसके बाद युवती के पिता महेश मांझी और मां सुगंती देवी पटना पहुंच और 6 वर्षों से लापता बेटी से मिलकर खुशी से झूम उठे। पूरे परिवार ने इसके लिए नन्हे कदम टीम को बधाइयां दी। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।